लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य के उद्योग और खनन मंत्री सुभाष देसाई ने आज नई मुंबई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास उपक्रमों का भी जायजा लिया। सबसे पहले MIDC इलाके में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया और उसके बाद उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे प्रदूषण मुक्त परिवहन को मदद मिलेगी। इसके बाद उन्होंने ऐरोली सेक्टर 13 में सिडको द्वारा प्रस्तावित मराठी भाषा भवन उपकेंद्र स्थल का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, सिडको, मनपा, MIDC के कई अधिकारी भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री ने यहाँ मराठी भाषा भवन उपकेंद्र का निर्माण जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। राज्य के उद्योग और खनन मंत्री सुभाष देसाई ने आज नई मुंबई के ऐरोली में प्रस्तावित मराठी भाषा भवन उपकेंद्र के निर्माण स्थल का दौरा किया और अधिकारियों से इस उपकेंद्र के निर्माण को तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। ऐरोली के सेक्टर 13 में 3018 वर्ग मीटर भूखंड पर सिडको द्वारा इस मराठी भाषा भवन का निर्माण किया जा रहा है। उद्योग मंत्री के दौरे में जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, सिडको, मनपा और MIDC के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। मराठी भाषा भवन स्थल पर दौरे से पहले उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने तुर्भे MIDC क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक से चलने वाले प्रदूषण मुक्त परिवहन को प्रोत्साहन दे रही है। उद्योग मंत्री ने विश्वास जताया कि इससे पर्यावरण सुरक्षा को बल मिलेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे मराठी भाषा भवन उभारायचा निर्णय झालेला आहे आणि त्याचं उपकेंद्र हे इकडे ऐरोलीमध्ये होणार आहे। यासाठी हा सिडकोनी भूखंड दिलेला आहे। ह्या नव्या मुंबईमध्ये एक सांस्कृतिक केंद्र म्हणून हे भाषा उपकेंद्र आम्ही तयार करणार आहोत आणि सर्वच इथल्या जनतेला त्याचा चांगला लाभ होईल आणि मराठी संस्कृतीचे जे जतन करण्याचं आपलं कार्य आहे त्या कार्यामध्ये चांगली मोठी भर याच्यामुळे पडणार आहे। तुर्भेला आता माझ्या हस्ते एका चार्जिंग स्टेशनचं उद्घाटन झालं आणि आपल्याकडे कसं आहे की पेट्रोल डिझेलच्या किमती प्रचंड वाढलेल्या आहेत। पेट्रोल डिझेल लोकांना परवडत नाही, ह्याला पर्याय शोधला पाहिजे। चार्जिंग स्टेशन झाले ते जे ज्यांनी सुरू केले त्यांचा असा दावा आहे की देशातलं सगळ्यात मोठं चार्जिंग स्टेशन ते झालेलं आहे आणि त्याच्या अनेक शाखा ते पुढे काढणार आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।